पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि के आत्मानात्म विवेचन प्रकरण में यहाँ पे स्थूल शरीर से विवेचन दिखाए, सूक्ष्म शरीर से अब कारण शरीर से दिखा रहे हैं। तो कारण शरीर में तीन प्रकार की जो शक्ति है, आवरण, विक्षेप और ज्ञान शक्ति। आवरण शक्ति तमोगुण से होता है, विक्षेप रजोगुण से होता है और विशुद्ध सत्व जो है वह ज्ञान का कारण बनता है। क्योंकि विशुद्ध सत्व के जो धर्म वो बताएंगे आगे, अगले सूत्र में आ जाएगा। अभी तो मिश्र सत्व के धर्म बता रहे थे, जो रजोगुण और तमोगुण से थोड़ा सा मिश्रित है। ऐसे जो रजो सत्व गुण के धर्म अमानित्व आदि, नियम यम, श्रद्धा भक्ति मुमुक्षा, ये सभी दैवी संपत्ति होती है और असत से आसुरी संपत्ति से विमुक्तता भी होती है, ये बात बता रहे थे। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे, टीका में चल रहा था यहाँ पे, अभी श्रद्धा से चलेगा। नियम यम तक हो गया, अमानित्व आदि नियम और यम, इन सभी का यहाँ पे निरूपण किया गया। अब आगे श्रद्धा, नीचे से पांचवी पंक्ति, पेज नंबर 80, नीचे से पांचवी पंक्ति। श्रद्धा सर्वश्रेयो निदान निदानम आस्तिक्य बुद्धि। श्रद्धा किसे कहते हैं? संपूर्ण श्रेय का, जो कल्याण का, सभी पुरुषार्थों का जो निदान है, श्रेय का, श्रेय मार्ग का जो निदान है, मूल कारण है। निदान यानी मूल कारण, संपूर्ण श्रेय का जो निदान मूल कारण है, ऐसी आस्तिक की बुद्धि, बिना श्रद्धा के जो है कोई भी किसी भी शुभ कार्य में नहीं लग सकता। और बताते हैं भाई वो गड़बड़ लोग जो होते हैं उनमें भी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति होती, चोरों को भी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती है ना। इसलिए श्रद्धा जो है, तो जब ऐसे लोग गड़बड़ लोग भी जो है श्रद्धा है अपने गुरु के पास, गुरु के प्रति, तो जो सन्मार्ग में चलने वाले, तो ये तो श्रद्धा होनी चाहिए, बिना श्रद्धा के कहाँ से आगे बढ़ पाए। इसलिए जितने भी श्रेय है कल्याण के मार्ग, उन सब का मूल कारण श्रद्धा यानी आस्तिक की बुद्धि। अस्ति जैसा कहा गया वही बिल्कुल ठीक है, ऐसी बुद्धि होना चाहिए। भक्ति, भक्ति भी अब दो प्रकार की है। सा परापर भेदेन द्विविधा। भक्ति दो प्रकार की भक्ति है, पराभक्ति अपराभक्ति। अपरे व साधन भक्ति रीति उच्यते। अपराभक्ति को साधन भक्ति कहा जाता है। इसको भागवत के एक श्लोक के द्वारा बता रहे, भक्त्या संजातया भक्त्या विव्रत्य उत्पुलकाम तनुम। ये भागवत में एकादश स्कंद में तीसरा अध्याय 31वां श्लोक है, 11:3-31 ये श्लोक है भागवत का। क्या प्रसंग है आपको बता देता हूं। वहां पे निमि और नव योगीश्वर संवाद हुआ है। राजा निमि और नव योगीश्वर थे, उन नव योगीश्वरों के बीच में संवाद हुआ। उसमें से जो तीसरे योगीश्वर थे उनका नाम था अंतरिक्ष। अंतरिक्ष से निमि जी ने माया के स्वरूप का को पूछा था, तो उन्होंने बताया कि माया से ही पूरा जगत बना हुआ है, आकाश आदि पांच भूतों के क्रम से सृष्टि प्रलय ये सब बताए उन्होंने। फिर इसके बाद राजा निमि ने एक प्रश्न पूछा कि जो अकृतात्म पुरुष है, जो अपनी मन बुद्धि को अपने अधीन नहीं कर पाए, वह कैसे संसार सागर से, माया से कैसे पार होगा।
इसका उत्तर चतुर्थ जो योगीश्वर थे प्रबुद्ध जी, उन्होंने दिया। उन्हें बताया कि देखिए पहले तो सभी जगह से अनासक्ति करना चाहिए, सभी जो अपने सगे संबंधी सांसारिक विषय सब जगह से आसक्ति को छोड़ना चाहिए, और फिर प्रेम जो है परमात्मा में बढ़ाए। परमात्मा में प्रेम बढ़ाने के लिए साधन भक्ति, जिसको अपरा भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति क्या है? देखो भाई, कहीं पे भी अगर आपको प्रेम बढ़ाना है, किसी से भी मित्रता होती तो बारंबार मिलते हैं, उसके साथ व्यवहार होता है तो मित्रता हो जाती। इसी प्रकार भगवान में जब प्रेम बढ़ाना है तो भगवान में प्रेम बढ़ाने के लिए बारंबार उनका श्रवण करना पड़ेगा, उनकी लीलाओं का श्रवण करे, उसी का चिंतन करे। नवधा भक्ति जो आया अगले आगे श्लोक दे रहे हैं, श्रवण कीर्तन, तो बारंबार जब उसका श्रवण करेंगे भगवान के गुणों का, तो फिर उसमें उनमें धीरे धीरे प्रेम बढ़ते चले जाएगा। ते साधन भक्ति श्रवण आदि करेंगे तो ये साधन भक्ति हुआ, इससे जो प्रेम बढ़ जाएगा, प्रेम रूपा परम प्रेम रूपा भक्ति, वो साध्य भक्ति होती है। परम प्रेम रूपा जो भक्ति है साध्य भक्ति, और ये सब श्रवण आदि गुणों का श्रवण करना और गुणों का चिंतन करना ये साधन भक्ति है। इसको तो दो प्रकार की भक्ति, पराभक्ति अपरा भक्ति। इसी को दिखाए द्विविधा, पर अपर व साधन भक्ति रीति उच्यते। अपरा भक्ति को ही साधन भक्ति कहा जाता है। तो साधन भक्ति से फिर प्रेम रूपा भक्ति, परम प्रेम रूपा भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। इसी बात को देखो श्लोक में कह रहे थे, भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा यानी साधन भक्ति के द्वारा जो संजात हो गई है, उत्पन्न हो गई है भक्ति, यानी जो साध्य भक्ति प्रेम रूपा भक्ति, उसके द्वारा उत्पुल उत्पुल काम तनुम विभ्रति। उत्पुलक यानी हमारा जो शरीर खिल जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा मन बुद्धि भगवान में, जब परम परम प्रेम हो जाएगा तो भगवान के गुणों का चिंतन करके, जैसे नारद जी जो है नाचने लगते हैं, सब आता है। भक्त जो है भगवान के गुणों का ही चिंतन करके एकदम भाव विभोर हो जाएगा, मग्न हो जाता है। उत्पुल काम तनुम विभ्रति, उत्पुलक यानी उसका जो है शरीर आदि एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा उस भक्ति के द्वारा। इति भागवतोक्ते हे, भागवत में एकादश स्कंद में बात आई है, निमि नव योगीश्वर संवाद में। तो इसमें जो इस जो साधन भक्ति है क्या है, तो देखो, ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, है ना। श्रवणम, श्रवण रूपा भक्ति, भगवान के गुणों का श्रवण करना, कीर्तन यानी कथन करना, कीर्तन करना, और विष्णु, विष्णु भगवान विष्णु के उनका श्रवण करे, गुणों का कीर्तन करे, स्मरण करे, उन्हीं का विष्णु का भगवान विष्णु का स्मरण करे। पाद सेवनम, उनके चरणों का सेवन करना, चरण का सेवन करना, उनकी सेवा करना। अर्चनम, अर्चना करना, पूजा करना। वंदनम, वंदना करना, स्तुति आदि करना। और दास्यम, दास्य भाव की भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, मैं उनकी आज्ञा का पालन, जैसे हनुमान जी थे उसी तरह से दास्य भाव रूपा भक्ति। सख्यम यानी मित्रता, मेरे मित्र है, मित्र रूप से जो है चिंतन करके भी कई भक्ति करते हैं। आत्मनिवेदनम, अपना सर्वस्व भाव उनके चरणों में निवेदन कर देना। तीसरे थी नवधा भक्ति ही, ये जो नवधा भक्ति है साधन भक्ति है। यह परम प्रेम लक्षणायाः पर भक्ति साधनम, परम प्रेम रूपा जो पर भक्ति है वह उसका साधन हो गए नवधा भक्ति। तो दो प्रकार की भक्ति, ये भक्ति भी सत्वगुण से आता है। और मुमुक्षता, मुमुक्षता यानी मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा। स्वस्वरूप साक्षात्कारेण आविद्यका नाम अहंकार आदि देहांता नाम बंधा नाम निवृत्ति इच्छा, कि मैं अपने स्वरूप को जानूं, संसार से मुक्त हो जाऊं। तो आविद्यक जो अहंकार से लेकर के देह पर्यंत बंधन, अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है, वहां से लेकर के स्थूल देह पर्यंत जो बंधन है, उन बंधनों को छोड़ने की इच्छा, इनसे निवृत्त होने की इच्छा, यह है मुमुक्षता। दैवी संपत्ति,
दैवी संपत्ति भी सद्गुण से आएगा। सापि गीतासु षोडशाध्याय 16वें अध्याय में अवयम सप्त संशुद्धि इत्यादि न कथिता, इसके द्वारा कह दिए। इसी को ब्रैकेट में स्वयं दिखा रहे कोष्टक में। अवयम सप्त संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेशु लोलुप्त्वं मार्दवं रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौच न अद्रोहो नाति शौचं मद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपितं दैवीम अभिजातस्य भारत। अर्जुन को बता रहे भगवान, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, दैवीम संपदम अभिजातस्य, यानी दैवी संपत्ति को लक्षित करके जो उत्पन्न हुआ है, पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया है, तो दैवी संपत्ति को लक्षित करके जो उत्पन्न हो रहा है, मतलब जिसका भावी भविष्यत काल में कल्याण होना है, ऐसे पुरुष में ये सब अभय आदि दैवी संपद होते हैं। तो अभय अभय आदि अभयम सप्त संशुद्धि, इन सब का क्या अर्थ है, ये स्वयं टीकाकार अर्थ दिखा रहे। तत्र अभयम, उनके बीच में अभय क्या है, अभयम नाम इष्टानिष्ट संयोग वियोग हेतु। अभय नाम शब्द प्रसिद्धि अर्थ में, यह इस अर्थ में प्रसिद्ध है, नाम शब्द होता है अभयम नाम वैराग्यम नाम, तो नाम यानी ये इस अर्थ में प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्धि अर्थ में नाम शब्द आता है। तो अभय इस अर्थ में प्रसिद्ध है, किस अर्थ में, इष्टानिष्ट संयोग वियोग हेतु दर्शन जन्यम, इष्ट का संयोग हुआ, इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, तो इन इष्ट अनिष्ट के संयोग और वियोग के हेतु को देखने से, इष्ट के वियोग का हेतु देखें, कोई ऐसा जो है जैसे बीमारी आ गई, तो वो जो है अरे मैं तो शरीर छूट ना जाए, अथवा तो कोई आपका जो है अत्यंत प्रिय व्यक्ति बीमार हो गया, तो उसके वियोग का हेतु देखने से जो बहुत दुख हो रहा है, इष्ट के वियोग के हेतु को देखने से और अनिष्ट के संयोग के हेतु को देखने से, जन्यम यद दुख भयम, जो दुख रूपी भय, तद राहित्यम, उससे रहित हो जाना, यही है अभय, किसी भी प्रकार के भय से रहित हो जाना। अभयम, महापुरुष लोग अभय में स्थित रहते, डरते नहीं, कि एक ही परमात्मा है, सभी प्राणियों में है, शरीर आदि तो नष्ट होने ही वाला है, इसमें क्या है, तो इसलिए महापुरुष लोग अभय में स्थित हो जाते हैं। एक बार जो है हमारे कैलाश आश्रम के वो बड़े महाराज जी थे, और जो है छोटे महाराज जी, वो दोनों जंगल में घूमने जा रहे थे, साथ में एक दो सेवक लोग भी थे, और जब पहले तो और ज़्यादा बहुत घना जंगल था, तो जा रहे आगे आगे और सेवक पीछे पीछे, सेवक को थोड़े पीछे जो है आहट आई, आहट मालूम पड़ा, कुछ आ रहा है क्या, देखा पीछे मुड़ करके एक शेर आ रहा था, तो उसने बोला महाराज जी वो शेर आ रहा है, डर गया वो, तो बड़े महाराज जी का कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वो आगे जाना चाहता है, उसको रास्ता दे दो, तो उन्होंने एक साइड खड़े हो गए, वो लोग दोनों शांति से खड़े हो गए, उनको कोई डर नहीं, और ये सेवक डरते रहे, तो जो है सिर झुका करके वो शेर वहाँ से चले गया, उनके सामने से सिर झुका के ऐसे चले गए। इस तरह से वो मतलब अभय तत्व में, अभय में स्थित हो जाते हैं। इस तरह से ये सत्वगुण का कार्य, यद्वा शास्त्रोपदिष्टार्थे संदेहम बिना अनुष्ठान निष्ठत्वम, अथवा देखो अभय का अर्थ क्या है, शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट अर्थ में बिना कोई संदेह की अनुष्ठान करना है। लोग डरते रहते, पता नहीं क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं जो है नुकसान तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ये जो है सत्वगुण रहेगा तो हाँ, शास्त्र में कही गई बात है, इसमें कोई हमारा अनिष्ट नहीं होगा, तो इसमें संदेह के बिना अनुष्ठान करना, अनुष्ठान निष्ठ हो जाना शास्त्र उपदिष्ट अर्थ में, इसे अभय कहते हैं। दूसरा बताए सत्व संशुद्धि, सत्व से अंतःकरण से सम्यक शुद्धि, अंतःकरण की ठीक प्रकार से शुद्धि यानी निर्मलता, यही है सत्व संशुद्धि ही, अंतःकरण की ठीक प्रकार से निर्मलता हो, ये सत्व संशुद्धि है, यानी शुद्ध भाव से व्यवहार, जगत व्यवहार कर रहा है, जितना राग द्वेष करके व्यवहार करोगे उतना ही भेद बुद्धि दृढ़ होती चली जाएगी,
रागव देश करके व्यवहार करने से भेद बुद्धि ज्यादा से ज्यादा दृढ़ होती है, और जो रागव देश से रहित होकर के व्यवहार करता है निर्मल मन से, तो फिर भेद बुद्धि दृढ़ नहीं होती है, इसलिए वह सत्य संशुद्धि इसको कह दी। शुद्धे सम्यक्त्वम नाम सत सम्यक शुद्धि कह दे, शुद्धि सम्यक शुद्धि, शुद्धि में सम्यक तो क्या है कि सम्यक शुद्धि अच्छी प्रकार से शुद्धि। शुद्धे सम्यक्त्वम नाम भगवत तत्व स्फूर्ति योग्यत्वम, शुद्धि में सम्यकता यही है कि भगवत तत्व की स्फूर्ति की योग्यता, तभी सम्यक संशुद्धि कहा जाएगा। भगवत तत्व स्फूर्ति की योग्यता आ जाए यही सम्यक संशुद्धि, जो शुद्धि में सम्यक तो यही है। तो शास्त्राचार्योपदेशाभ्याम आत्मतत्वावगति ज्ञानम, इसके बाद आया था ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान किसे कहते हैं? शास्त्र और आचार्य के उपदेश से आत्मतत्व को जानना, यह है ज्ञान। और जो ज्ञान हुआ उसमें दृढ़ निष्ठ हो जाना, निष्ठ होने के लिए योग चाहिए। योग क्या है? अवगतस्य अर्थस्य चित्त एकाग्रतया स्वानुभवारूढत्वापादनम योगः, जिस अर्थ का हमें ज्ञान हुआ है उसको एकाग्र चित्र से, चित्त से, चित्त एकाग्रतया, एकाग्र चित्त के द्वारा स्वानुभवारूढत्वम रूढत्वापादनम, अपने अनुभव में आरूढ़ कर लेना। केवल ऐसा नहीं शब्द सुन करके थोड़ा ज्ञान हुआ, उसको अनुभव कर लेना, अनुभव व रूढ़त्व की प्राप्ति का आपादन कर देना, यह योग। तो ज्ञान हो गया शास्त्र आचार्य के द्वारा जो आत्मतत्व का ज्ञान, अवगति ज्ञान, और योग हो गया चित्त की एकाग्रता से चित्त को एकाग्र करके उस तत्व को अनुभव में कर लेना, यह हो गया योग। ज्ञान योग व्यवस्थिति तयोर विशेषण अवस्थिति ही, उन दोनों में विशेष रूप से स्थिति हो जाए, यानी सदा तन्निष्ठता, सदा ज्ञान और योग में, शास्त्र ज्ञान और उसमें उसको अनुभव में लाने के लिए प्रयत्न, इन दोनों में सदा जो है निष्ठ हो जाए। और लोक में भी देखा गया है, कोई गूढ़ बात है जो लौकिक पढ़ाई करते हैं, कोई गूढ़ बात है नहीं समझ पाता विद्यार्थी, उसको पढ़ाने वाले मास्टर बताते हैं कि भाई बार बार इसका चिंतन करो, बार बार सोचो, बार बार जो है उसको उसमें मन को एकाग्र करो। तो बारंबार चिंतन करने से, बारंबार सोचने से वो तो उस बात को समझ लेता है। ऐसे यहाँ पे भी कि जो है यो ज्ञान और योग में विशेष रूप से स्थित हो जाना, सदा तन्निष्ठ रहना, ज्ञान योग व्यवस्थित। इसके बाद आया दान। दान का तो अर्थ आप लोग जानते हैं, यथाधिकारम स्वद्रव्यस्य पात्रे प्रतिपादनम दानम, अधिकार के अनुसार अपने द्रव्य को योग्य पात्र में वो प्रदान कर देना, प्रतिपादन कर देना, प्रदान कर देना, ये ध्यान दान है, योग्य पात्र में देना। बाह्य इंद्रिय संयमो दम, बाह्य इंद्रियों को संयमित करना, ये दम है। और इसके बाद फिर आया यज्ञ। यज्ञ से किसको लेंगे? स्रौत यज्ञ और स्मार्त। स्रौत अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास आदि, अग्निहोत्र करना, दर्श पूर्णमास आदि यज्ञ करना, ये मीमांसा में आता है। स्मार्तश्च स्मार्त पंच यज्ञ है, उसमें से स्वाध्याय को वहाँ अलग से कह रहे हैं, इसलिए यज्ञ से स्मार्त यज्ञ से चार को लेकर के स्वाध्याय अलग से श्लोक में दे ही दिए। इसलिए देवयज्ञ, देव यज्ञ यानी देवताओं के लिए जो होम करते हैं, पितृ यज्ञ है जो हम लोग श्राद्ध तर्पण करते हैं पितरों के लिए, भूत यज्ञ है, भूत यज्ञ यानी भूतों को, कौए को, कुत्ते को, ये सब जो है रोटी आदि जो देते हैं गाय को, गौ माता को, ये भूत, चीटी को आटा डालते हैं, भूत यज्ञ। और मनुष्य यज्ञ क्या? अतिथि सेवा, कोई अतिथि भूखा प्यासा आ जाए तो उसको जो है कोई महात्मा ही आ जाए अथवा कोई अन्य व्यक्ति अतिथि आ जाए, ब्राह्मण आ जाए तो उसको जो है कुछ सेवा भोजन आदि दे देना, कुछ दे देना, ये इसको कहते हैं मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। यदि चतुर्विधो यज्ञ, बोले यज्ञ तो पांच होते हैं, बोले नहीं वो स्वाध्याय को अलग से कह दिए श्लोक में, ब्रह्म यज्ञ से स्वाध्याय पदेन पृथक उक्ते हैं। ब्रह्म यज्ञ जो शास्त्रों का, वेद का अध्ययन, इसको स्वाध्याय पद से अलग से कह दिया गया, इसलिए यहाँ पे चार को यहाँ ले लिए। तप, अच्छा स्वाध्यायो ब्रह्म यज्ञ, अदृष्टार्थम ऋग्वेदादि अध्ययन रूप, अदृष्ट
अर्थ हाँ अदृष्ट के लिए ऋग्वेद आदि का अध्ययन करना, अदृष्टार्थम अदृष्ट के लिए ऋग्वेद आदि का अध्ययन रूपी जो है ब्रह्म यज्ञ, तो ब्रह्म यज्ञ वेद का अध्ययन करेंगे विधिवत, ये ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय हुआ। तप शारीर आदि वेदेन त्रिविधम, तप जो है शारीर तप, वाचिक तप, मानस तप, तीन प्रकार का। शारीर तप किसे कहते, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्गव, देवताओं का पूजन करना, द्विज यानी ब्राह्मण का, गुरु और प्राज्ञ, प्राज्ञ यानी कोई विद्वान जो है, या द्विज कहने से ही द्विजाती आ गए तो प्राज्ञ अलग से क्यों कहे, क्या ये बताएगी कई एक बार ओंकारेश्वर के महाराज जी बता रहे थे, प्राज्ञ अलग से कहने से कि कोई अन्य जाति में भी शूद्र जाति का भी कोई ब्रह्मज्ञानी पुरुष है, प्राज्ञ है, तो भी उसकी भी पूजा करनी चाहिए, तो इसलिए प्राज्ञ अलग से कहा गया, नहीं तो द्विज में ही सब आ गए, ऐसा ओंकारेश्वर में महाराज जी बता रहे थे। तो प्राज्ञ इन सब का पूजन करना, और शौच यानी शुद्धि, ये तो शुद्धि को तो बता ही दिए है, शारीरिक शुद्धि, शुद्धि अंतःशुद्धि, आर्जवम यानी सरलता, ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते, ये शारीर तप है, और वाचिक ब्रह्मचर्य पालन करा, अहिंसा व्रत करना, ये सब अर्थ बता चुका हूँ। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च, ऐसी वाणी बोले सामने वाले को उद्वेग ना हो, व्याकुल ना हो सामने वाला सुनकर, ऐसी वाणी बोल दिए सामने वाला उद्विग्न हो गया, घबरा गया, परेशान हो गया, तो उद्वेग करने वाला घबरा, सामने वाले को परेशान करने वाली वाणी न हो ऐसा वाक्य, और सत्य होना चाहिए, और प्रिय और हितकर, ये चारों होना चाहिए, उद्वेग नहीं करे, सामने वाले को जो है दुख न दे, सत्य हो, प्रिय भी लगे और हितकर भी, ऐसा नहीं कि बहुत जो है बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो और उसमें अर्थ कुछ है ही नहीं, ते जो है ऐसी वाणी, चारों उसमें गुण होना चाहिए। स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए, स्वाध्याय का अभ्यास करना, ये चाहे वह वांग्मयम तप उच्यते, इनको कहते वाणी का तप, ये वाणी का तप हो गया। तो मना प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्य तपो मानसम उच्यते, मानसिक तप क्या है, मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, मन प्रसन्न होना चाहिए, सत्वगुण रहने पर मन प्रसन्न रहता है, रजोगुण आदि रहता है तो विषयों का चिंतन करता है, विषयों का चिंतन करने से व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, वास्तव में प्रसन्नता नहीं आती, थोड़ा घबराते रहे कुछ इधर उधर, इसलिए मन की प्रसन्नता सत्वगुण होने पर, मन प्रसाद है मानसिक तप है, सौम्यत्व सौम्यता होनी चाहिए, सौम्यत्व मौनम सौम्यता यानी सुमनस्तम, सौम्य का अर्थ जो है सौम्यत्व, इसका अर्थ एक मिनट बताता हूँ, खादि खिला हुआ है तो उसे उसको देख करके, ये देखो मना प्रसाद वहां पे है, मना प्रसाद मतलब मन मेरा प्रसन्न है, ये तो हमको खुद ही मालूम पड़े, और सम्यक्त यानी उसको मुख आदि खिला हुआ है तो उसको देख करके ऐसा लगे कि हाँ ये व्यक्ति प्रसन्न है, तो सौमनस्य यानी इसका मन अच्छा है प्रसन्न है, तो कैसे मालूम पड़ेगा, व्यक्ति का मुख खिला हुआ है तो कहेंगे सौम्य है, सौमनस्य सुमनस्य, सुमनस तो है अच्छे मन वाला है, ते सौम्य सौम्यत्व बता दिए, और आगे दिए है मौनम, मौन यानी मौन वाणी का संयम, मन संयम पूर्वक होता है, मन ही संयमित नहीं तो वाणी संयमित नहीं हो सकती, और आत्म विनिग्रह इंद्रियों को विनिग्रहित करना, भाव संशुद्धि भाव की संशुद्धि, भाव हमारा शुद्ध होना चाहिए, इत्येतत् तपो मानसम उच्यते, इन सबको मानसिक तप कहा जाता है। अब इसको थोड़ा ये बता रहे अवक्रत्वम आर्जवम, आर्जव किसे कहते हैं, तो मतलब सरलता, मनोवाक काय वृत्ति नाम एक रूप्यम, मन वाणी और शरीर की वृत्तियों में एक रूपता होनी चाहिए, और पर पीड़ा वर्जन अहिंसा, अहिंसा कहते पर पीड़ा नहीं, दूसरे को पीड़ा नहीं देना, सत्य क्या यथा दृष्ट वचनम सत्यम, जैसे आपने देखा है वैसे का वैसे उसको बताना, प्रतिपादन करना सत्य है, पर आक्रोशे ताड़ने वा कृते सती,
दूसरे के द्वारा आक्रोशित होने पर अथवा ताड़न किए मारने पर भी सद्यः प्राप्तस्य क्रोधस्य तत्कालम उपशमनम अक्रोधः। सद्यः प्राप्त जो क्रोध है उसको तत्काल उपशमित कर देना अक्रोध। यद्यपि जो है ये व्यक्ति के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर रहता है, इसलिए ऑफिस में बड़े साहब के आगे तो व्यक्ति अपने क्रोध को दबा लेता है, लेकिन घर में आके भले सबके सामने वो शेर बन जाए दिखाए तो अलग बात है, लेकिन वो सबके अंदर एक गुण है तो है, लेकिन उसको आध्यात्मिक साधना में लगाए तो ज्यादा अच्छा रहे। दान से प्राग उगते हे त्यागो, हाँ प्राग उगते हे त्यागो हो दुख संपरित्याग। दान तो पहले कह दिया जा चुका है, और इसलिए त्याग का अर्थ है वो दान नहीं लेना बल्कि दुख संग परित्याग। दान को अलग से कह दिए, इसलिए त्याग से वो दान को नहीं लेना। त्याग अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग, त्याग से दुख के संग का परित्याग। कोई दुख आपको हुआ है 5 साल पहले, उसका चिंतन करोगे तो और फिर से दुख हो जाएगा, दुख में संग का परित्याग। शांति यानी अंतर इंद्रिय उपरती, अंतर इंद्रिय मन की उपरामत उपरती। अब उपरती किसे है, किसे कहते हैं? उपरती का मतलब होता है उपरामता, विषयों से उपराम हो जाना, है ना। विषयों का इतना आलंबन मत लो कि भाई इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, चाय पिए बिना मैं जी नहीं सकता, दूध नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जी पाऊंगा, ऐसा नहीं करना भाई। भगवान राम जी भी देखो जंगल जंगल घूमे हैं, उन्होंने स्वयं लीला करके दिखाया, जंगल में घूमे कंदमूल खा के रहे, लेकिन कभी भी जो है दुखी नहीं हुए, भाई लीला करके स्वयं दिखाए भगवान ने किस तरह से रहना है। तो मतलब ये नहीं कि इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, इसके बिना मैं मर जाऊंगा। अब विषयों का इतना ज़्यादा आलंबन लेना ठीक नहीं, विषयों से उपरामता होनी चाहिए, विषयों का आलंबन नहीं, काम चलाने के लिए ही बस उतना ग्रहण करें, इतना ज़्यादा आलंबन न ले। तो उपरति होना चाहिए, इंद्रियों की उपरति उपरामता, उससे उपराम हो जाना, ऊपर उठना। पर दोष प्रकाशनम पैसुनम, दूसरे के दोष को बताना, दूसरे को चुगलखोरी करना जिसको बोलते हैं पैसुनम, तद अभावो अपैसुनम। ये तो पर निंदा है, रामचरितमानस में है, पर निंदा सम अघन गरिंसा, दूसरे की निंदा के समान बढ़ करके कोई पाप नहीं होता, बहुत बड़ा पाप है। ते पैसुनम, उसका अभाव साधक में है, उसका अभाव अपैसुनम होना चाहिए। दया किसे कहते? दुखितेषु भूतेषु तदीय दुखा सहिष्णुत्वम, भूतों को दुखित देखने पर उनके दुखों को सहन नहीं कर पाना, ये दया है। अलोलुत्वम, अलोलुत्वम यहाँ पाठ दिए, अलोलुत्वम गीता में तो अलोलुत्वम है, तो पाठांतर मान करके ऐसा अलोलुत्वम दे दी, इसका अर्थ अलोलुपत्वम, लोलुपत्वम अलोलुपत्वम, यानी इंद्रियाणाम विषय सन्निधाने भी अविक्रियत्वम इति यावत्। विषय हमारे सामने आने पर भी हमारा मन विकृत न हो, इंद्रिया विकृत न हो। विषय सामने आया, जैसे अच्छा भोजन दिखाई पड़ा, जिह्वा में जो है हलचल मच गई, जिह्वा में हलचल हो गई, कुछ ऐसा विषय दिखा कि मन में जो है खलबली मच गई, ते जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, लोलुपता नहीं होना चाहिए। विषयों की सन्निधि होने पर भी मन और अन्य इंद्रिया विकृत न हो। यहाँ पवर्ण लोप आर्सर होना तो चाहिए था श्लोक में अलोलुपत्वम, किंतु छंद पूरा करने के लिए पवर्ण का लोप करके आर्स प्रयोग कर दिए, वैदिक प्रयोग कर दिए, वैदिक प्रयोग भगवान ने कर दिया है। भगवान जो है वेद के ज्ञाता है, तो वेद के ज्ञाता लोग वैदिक प्रयोग कर लेते हैं, अथवा अलोलुपत्वम इति वा पाठ है। अलोलुपत्वम तो हम लोगों की पुस्तक में पाठ रहता है, आधा प लेकर के इन्होंने पहले अलोलुपत्वम को लेकर के विचार किया, वास्तव में हम लोगों की पुस्तक में तो अलोलुपत्वम रहता है, और होना चाहिए अलोलुपत्वम, प पूरा होना चाहिए, लेकिन प वर्ण का लोप करके अथवा आधा लोप करके पाठ किया गया है। तो मृदुत्वम यानी मार्जवम, साधु जन संश्लेषा रहता, मृदुता आनी चाहिए, मृदुता मतलब साधु जन संश्लेष की योग्यता, रहता यानी योग्यता, मृदुता रहेगी तभी सज्जनों के साथ संश्लेष की योग्यता है, मृदुत्व होना चाहिए। मार्दम नरम, नरम नरमपना,
एवं कठोर नहीं होना चाहिए। और ह्री किसे कहते? अकार्य करने लज्जा, गलत काम करने में जो लज्जा आए उसे कहते ह्री। लज्जा जो है व्यक्ति को बहुत गलत कार्य से रोक देती है। और वृथा चेष्टा राहित्यम अचापलम, बिना जो है वृथा चेष्टा करना, बिना वैसे जरूरत के हाथ पैर हिलाते रहना, ये चापल्य है, उसका भी अभाव होना चाहिए। बिना जरूरत के शरीर को न हिलाए, हाथ पैर न हिलाए, अचापलम। प्रागल्भ्यम तेज, बोला प्रागल्भ का अर्थ तेज, यानी स्त्री बालकादि मूढ़ जनय अनभिभवनीयत्वम इत्यर्थ। स्त्री बालक आदि मूढ़ जनों के द्वारा अभिभूत न हो, दब न जाए, नहीं तो जो है दूसरे से मूढ़ जनों से भी दब जाए तो प्रागल्भ नहीं है उसके अंदर। सती सामर्थ्य परिभव हेतुम प्रति क्रोधानुत्पत्ति ही क्षमा, सामर्थ्य होने पर भी, तिरस्कार का हेतु प्राप्त होने पर भी क्रोध नहीं। कोई आपका तिरस्कार कर दे तो उसको मारने का सामर्थ्य होने पर भी क्रोध नहीं उत्पन्न होना, ये है क्षमा। और उत्पन्न से क्रोध से सद्य समनम अक्रोध, और क्रोध उत्पन्न हो गया लेकिन तुरंत उसको दबा लेना, शमन कर देना, क्रोध को विचार के द्वारा रोक देना, या क्रोध इति ततो भेद है। तो क्षमा और क्रोध में भेद है। क्षमा यानी क्रोध उत्पन्न ही न होने देना, और क्रोध यानी क्रोध उत्पन्न होने पर भी उसको जो है निरुद्ध करना, अक्रोध अक्रोध का। और क्षमा यानी ये अलग हो गया, क्षमा और अक्रोध में भेद है। दुखादि भी सीधतः चित्त से स्थिरीकरणम धृति ही, दुखादि के द्वारा जो हमारा चित्त छीड़ हो रहा है, दुखी हो रहा है, उसको स्थिर करना, ये धृति हो गई। किसी किसी में बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। एक बार एक सेठ जी थे, मेरे सामने की घटना है, बहुत बड़े वेदांती थे, तो उनके पास बैठा हुआ था। क्या हुआ, कुछ दिन पहले उनका एक तीसरे चार लड़के थे, तीसरे नंबर वाला लड़का मर गया था, उसका शरीर शांत हो गया। तो कुछ दिन पहले की बात थी, तो उनको सांत्वना देने के लिए उस एरिए के एक बहुत बड़े संत आए हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा अपना धाक जमाऊ, उन महात्मा जी ने इसके लिए जो है पहले थोड़ा कीर्तन कराया और बोला कि देखो उस बालक की आत्मा की शांति के लिए मैंने कीर्तन कराया है। इस तरह से वो बताए। फिर बाद में वो सेठ जी भी थोड़ा बोलने के लिए बोले, आप भी थोड़ा कुछ बोल दीजिए। तो सेठ जी बोले, देखो भाई, अगर मैं पिता बनूंगा तो मुझे दुख होगा, मैं तो यही वेदांत में पढ़ते आया हूँ, न कोई पिता है, न पुत्र है, न कोई पत्नी है, न ये सब तो संबंध कल्पित है। मैं पिता बनूंगा तो मुझे दुख होगा, मैं पिता ही नहीं, मैं तो आत्मरूप हूँ, मेरा बच्चा था वो भी आत्मरूप ही था। इस तरह से उन्होंने कहा। तो देखो मतलब धैर्य कितना अधिक, किसी व्यक्ति का जो है बड़ा लड़का इतना जो है योग्य है मर जाए तो व्यक्ति जो है बहुत घबरा जाता है, बहुत दुखी होता है। लेकिन वेदांत के संस्कार इतने तेज है कि देखो कुछ भी उनके अंदर प्रभाव नहीं पड़ा। तो महात्मा जी को ही शर्मिंदा होना पड़ा उनके आगे। ये मेरे खुद के सामने की देखी हुई घटना है। तेज इसको कहते धृति। बाह्यांतर शुद्धि शौचम, बाहर और भीतर की शुद्धि है शौच। और अद्रोह क्या है, पर जिघांसया शस्त्राद्य ग्रहणम अद्रोह, दूसरे को मारने की इच्छा से शस्त्रादि को ग्रहण करेगा तो द्रोह हो गया, और ग्रहण नहीं करना अद्रोह हो गया। शस्त्रादि अग्रहणम अद्रोह, अद्रोह हो गया। आत्मनि पूज्यत्या पूज्यत्वातिशय भावना अति मानिता, मैं अत्यंत पूज्य हूँ, पूज्यत्व की अतिशय की भावना, बहुत अधिक पूज्य हूँ, सबसे बड़ा पूज्य मैं ही हूँ, ऐसी जो भावना होना अपने में ये अति मानिता है, इसको अति मानिता मानित्व तो कहा गया। तद अभावो नाति मानिता, अति मानिता का भाव होना, अहंकार नहीं होना चाहिए। तया च तत्कार्यम, तो जिसके अंदर एक गुण है तो क्या होगा, उसका कार्य यही है कि पूज्येषु नम्रत्वम उपलक्षते, पूज्य व्यक्तियों के सामने वो झुकेगा, नम्र हो जाएगा, उसमें नम्रता रहेगी, ऐसे सबके सामने एकदम ठूठ की तरह खड़ा रहेगा।
ते षड्विंशति अभयादयो धर्म ये 26 गुण बताए। 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति 26 बताए। धर्मा देव योग्य सात्विक शुभ वासना रूप संपत्ति, देवताओं के योग्य सात्विक शुभ, सात्विक सत्व गुण का कार्य है, शुभ वासना रूपी जो संपत्ति है, पूर्व काल में बहुत साधना किया तो शुभ की वासना रूपी संपत्ति, उसको जो कि वह संपत्ति शरीर के आरंभ काल में ही अभिव्यक्त हो गई है, इसलिए उस व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से किसी की सभी में वो होता है। तो शरीर आरंभ काले पुण्य कर्म भी अभिव्यक्ताम, शरीर के आरंभ काल में ही पुण्य कर्मों से यह संपत्ति अभिव्यक्त हो जाती है, उसको अभिलक्ष्य जातस्य पुरुषस्य, इस दैवी संपत्ति को लक्षित करके जो उत्पन्न हुआ पुरुष, उस पुरुष में भवन्ति निष्पद्यन्ते, ये सब अभय आदि होते हैं। तम विद्या कर्मणि समन्वार अभेते पूर्व प्रज्ञा च, क्योंकि बृहदारण्यक इत्यादि में भी आया, उस मरने वाले पुरुष को विद्या कर्म समन्वार अभेते, साथ साथ में पीछे पीछे जाते हैं, विद्या ने जो उपासना किया है, चिंतन किया है, कर्म जो भी कर्म किया है धर्म आदि, वो सब पीछे पीछे जाएंगे फल देने के लिए, पूर्व प्रज्ञा, पूर्व की प्रज्ञा, तो पूर्व प्रज्ञा भी, पूर्व की जो बुद्धि जितना जहाँ तक ज्ञान हुआ है, तो विद्या का अर्थ उपासना ले लीजिए, पूर्व प्रज्ञा और पूर्व का प्रज्ञा जो ज्ञान साधना आदि किया है सब वो साथ में जाएंगे। पुण्य पुण्य कर्म कर्मणा भवति पाप पापे ने, पुण्य कर्मों से पुण्यात्मा होता है, अच्छी यानी अच्छी योनियों की प्राप्ति करता है, पाप पापे ने पाप कर्मों के द्वारा पाप होता है, पापी होता है यानी पाप योनि वाला स्थावर आदि योनियों की प्राप्ति करता है, इति श्रुते रीति भाव है। तो इस प्रकार की श्रुतियों से यही सिद्ध होता है कि जो पूर्व में पुण्य कर्म किए है तो जन्म के आरंभ काल में ही दैवी संपद अभिव्यक्त हो जाती है, और सत्व गुण की अधिकता होने से असत निवृत्ति, आसुरी संपत्ति का अभाव, एक अर्थ तो बताया था, और दूसरा अर्थ देखिए टीकाकार कर रहे, असतः यानी ब्रह्म व्यतिरिक्तात् निवृत्ति, ब्रह्म से व्यतिरिक्त जितना भी प्रपंच है वहां से मन हमारा हट जाएगा, ये सत्व गुण का कार्य। यद्वा अथवा दूसरा अर्थ असत निवृत्ति का अर्थ पाप से रहित, ना भी रतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहित, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने न आप्नुयात, कठोपनिषद में आया। इस श्रुति से अब्रिजिनत्वम, अब्रिजिनत्व ब्रिजिन यानी पाप, पाप से रहित होगा, असत निवृत्ति, ये सब सत्व गुण का कार्य है, सत्व गुण से ये सब धर्म हमारे अंदर रहते हैं। 120 नंबर श्लोक पूरा हुआ, आगे देखिए, एवं रजस तमसो सत्वे भी, रजोगुण और तमोगुण होने पर भी जब सत्व गुण ज्यादा है तो ताभ्याम अनभिभवनीय सत्व धर्मानुक्त्वा, उन रजोगुण और तमोगुण से जो अभिभूत नहीं होने वाला है सत्व, ऐसे सत्व के धर्मों को बता करके, ताभ्याम सुतराम असंस्पृश्यमान सत्व धर्मानाव, अब इन सत्व के धर्मों को बता रहे जिस सत्व में रजोगुण और तमोगुण नहीं मिले हुए, रजोगुण तमोगुण होने पर भी जब उनसे दबने वाला नहीं है सत्व गुण, उसके धर्मों को बताए। अब जो बिल्कुल उनके संबंध से रहित सत्व गुण है, बिल्कुल शुद्ध है, ताभ्याम सुतराम असंस्पृश्यमान, उन दोनों से पूरी तरह से संस्पृष्ट नहीं है जो सत्व गुण, उस सत्व के धर्मों को अब बता रहे हैं। श्लोक नंबर 121 नंबर श्लोक देखिए, विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसाद, स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति, तृप्ति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा, यया सदानंदर संसमृच्छति, विशुद्ध सत्व से गुणा प्रसाद, विशुद्ध सत्व के गुण कौन कौन से हैं, बोले प्रसाद, प्रसाद यानी मन की प्रसन्नता, मन व्याकुल, मन में व्याकुलता नहीं रहे, मन में बिल्कुल व्याकुलता नहीं रहे, एकदम प्रसन्न हो जाए, जैसे नदी का जल अत्यंत
शुद्ध है, स्वच्छ है, उसमें कोई जो है आपकी अंगूठी गिर जाए तो भी दिखाई पड़ेगी। ऐसे सत्व गुण अत्यंत विशुद्ध हो तो उसके गुण है प्रसन्नता, मन प्रसन्न रहेगा। स्वात्मानुभूति, स्वरूप का अनुभव, स्वरूप का अनुभव होगा, स्वरूप का अनुभव, स्वरूप ज्ञान हो जाएगा भाई, शुद्ध सत्व बढ़ा रहेगा तभी आत्मस्वरूप का अनुभव होगा। और परमा प्रशांति, परम प्रशांति मिलेगी, बाह्य लाभ चाहे कितना मिल जाए किंतु प्रशांति नहीं होती। ये तो बड़े बड़े धन वाले धनी लोग भी अनुभव बताते हैं, वो बताते पहले तो मैं बड़े जो है शांति से रहता, अभी तो इतना भी टाइम नहीं है कि मैं ट्रेन से यहाँ से जाऊँ वहाँ, बोले बिना फ्लाइट लिए जो है काम नहीं चलता, ट्रेन से जाने के लिए टाइम नहीं है, और एक दिन अगर काम न करूं तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। मतलब क्या है कि बाह्य लाभ से कभी भी प्रशांति नहीं मिलती है, परम प्रशांति तो, परमा प्रशांति तो जो है स्वात्मानुभूति से ही, फिर परमा प्रशांति ये विशुद्ध सत्व से ही आ रहा है। विशुद्ध सत्व से प्रसन्न मन हुआ, स्वरूप का अनुभव हुआ, परमा प्रशांति और तृप्ति, तृप्ति हो जाए, तृप्त हो जाए। जैसे हलवाई जो है मिठाइयों के बीच में रहता है, अन्य लोग तो बहुत मिठाई खाने की, मिष्ठान्न खाने की इच्छा होती है, लेकिन जो हलवाई बनाने वाला उन्हीं मिठाइयों के बीच में रहेगा, उसको खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, मतलब तृप्त है। ऐसे परमानंद से में जब तृप्त हो जाएगा तब किसी भी पदार्थ की वांछा नहीं रहती, प्रहर्ष, वांछा से दुख होता है, वांछा ही नहीं है तो हर्ष होगा। और परमात्म निष्ठा, अत्यंत परमात्मा में दृढ़ निष्ठा हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा, यया परा सदानंद रसम समृच्छति, जिस परमात्म निष्ठा से, स्वरूप के निश्चय से सदा आनंद रस को प्राप्त कर लेता है ना, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। उस लाभ को प्राप्त कर लिया तो सांसारिक लाभ एकदम तुच्छ हो जाते हैं, कोई जो है प्रसन्न नहीं, कुछ भी नहीं है ना। जैसे बताते हैं कि वो उसको पूरे पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाए तो भी वो जो है उसको बिल्कुल तुच्छ भी, तुच्छ ही मानता है, ऐसे बहुत श्लोक आते हैं। अब इसका टीका में देख लीजिए, विशुद्धत्वम च रजस्तमो असबलितत्वम, रजस्तमो के बाद एक खंडाकार लगा लेना समझने के लिए, रजोगुण और तमोगुण से जो सबलित नहीं, असबलितत्व, एक खंडाकार वहां जरूर लगा लेना समझने के लिए। असबलितत्व है तो व्याकरण में नियम सूत्र लग करके पूर्व रूप हो जाता है, तो खंडाकार लगाए ना लगाए एक ही बात होती है, लेकिन अपने समझने के लिए लगा लेना ठीक है। तो विशुद्ध सत्व का विशुद्धत्व, सत्व में विशुद्धत्व क्या है, जो रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित नहीं है, सबलित नहीं है, असबलित है। ऐसे जो केवल सत्य है उसके गुणा यानी कार्यभूत धर्माः, कार्य रूप धर्म क्या है, प्रसाद, मन की प्रसन्नता, मनोनैर्मल्यम, मन की निर्मलता होगी तो क्या होगी, आवरकस्य तमस विक्षेपकस्य रजसस्य अभाव, तमोगुण था तो स्वरूप को ढका हुआ था, विक्षेप था तो मन जो है बाहर घूम रहा था, जब आवरण करने वाला तमोगुण हट गया, विक्षेप करने वाला रजोगुण भी हट गया, तिनका अभावात अप्रतिबंधम स्वात्मानुभूति ही, तब तो प्रतिबंध से रहित स्वरूप का अनुभव होगा। यदा तमसा आवृयते आत्मतत्वम, जब आत्मतत्व तमोगुण से ढक लिया जाता है, तदा तस्य स्पष्टम अभाना, तब उसका स्पष्ट रूप से भान नहीं होने से अन्नमयादीनाम भानम, अन्नमयादि का भान होता है, शरीर आदि में दृढ़ तादात्म्य बन जाता है जब तमोगुण से ढका रहता है आत्मतत्व। और केवल सत्व हेतु, लेकिन जब केवल सत्व गुण बढ़ा हुआ है तो स्वस्वरूपम निष्प्रत्युहम अनुभूयते, आत्मस्वरूप प्रत्युह विघ्न से रहित होकर के अनुभव में आता है, बिना विघ्न के ही, बिना किसी विघ्न के आत्मस्वरूप का अनुभव होता है। अतएव परमा निरतिशया प्रकृष्टा शांति, जब आत्मस्वरूप का अनुभव हो रहा है तो परम निरतिशय, उससे बढ़ करके कोई शांति नहीं, प्रकृष्ट प्रशांति शांति। वक्षते च उत्तत्र उत्तरत्र, आगे एक श्लोक आएगा,
कस्तां परानंद रसानुभूतिं उसृज्य शून्येषु रमेत विद्वान् चंद्रे मालादिनी दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयतुं कैच्छेत्। कस्तं परानंद रसानुभूतिं, कौन ऐसा पागल व्यक्ति है, नहीं कौन ऐसा विद्वान व्यक्ति है जो उस परानंद रस की अनुभूति को छोड़ करके शून्य में रमण करेगा। पागल तो छोड़ भी देगा, पागल तो जो अच्छी चीज को छोड़ करके खराब चीज को ले लेता है। इसलिए एक न्याय आता है, पिंडम उत्सृज्य करम लेढ़ी। लड्डू हाथ में था, जैसे छोटे बच्चे के हाथ में लड्डू दे दिए और लड्डू को फेंक दिया, तब से उंगली मुंह में लगाया तो उसको मीठा लगा, तो उंगली हाथ ही चाटने लग गया। तो पिंडम उत्सृज्य करम लेढ़ी, लड्डू को फेंक करके हाथ चाट रहा है, बताओ पागलपन वाली बात है। लेकिन कोई विद्वान है, विवेकी है, तो ऐसा कौन विद्वान है कि जो परानंद रसानुभूति को छोड़ करके शून्य पदार्थों में रमण करेगा। यानी ऐसा विद्वान कोई नहीं ऐसा करता, पागल लोग भले करें। जैसे उदाहरण दे, चंद्रे मालादिनी दीप्य माने, जब अत्यंत पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो महा अत्यंत आह्लाद को देने वाला है, जब आकाश में प्रकाशित हो रहा है, तो उसको छोड़ करके कौन चित्रेंदु मालो कई तुम कई चित्र बना हुआ है। चित्र में इंदु यानी चंद्रमा, कागज पे कोई चित्र बना हुआ है, चित्र में चंद्रमा है। तो माँ अत्यंत आह्लाद को देने वाले चंद्रमा को छोड़ करके चित्र के चंद्रमा को कौन देखेगा। तो ये चित्र वाले चंद्रमा को नहीं देखते। इसी प्रकार परानंद रसानुभूति को छोड़ करके शून्य पदार्थों में कौन विद्वान रमण करेगा। इसलिए स्वरूप का अनुभूति होने पर परम प्रशांति, परमा प्रशांति हो जाती है। पूर्वं साधक दशायां प्रयत्नेन संपाद्यमाना शांति ही, पूर्वं पहले जो साधक दशा में प्रयत्न से जो शांति मिलती थी, आत्मदर्शने स्वभाव भूता, वो आत्मदर्शन होने पे वो स्वभाव हो गई हमारे, अत्यंत शांति ये स्वभाव है उसका, ये स्वभाव स्वरूपा होती थी भाव। ये जल का स्वभाव है शीतलता, इसी प्रकार प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, स्वभाव से ही आत्मदर्शन होने पे स्वभाव से ही शांति मिलेगी भाव। अतएव फल्गु प्रपंच संचारा भाव, इस तरह से व्यर्थ के प्रपंच में संचार नहीं होने से, व्यर्थ प्रपंच में संचरण करने से तृप्ति नहीं होती थी। अब जो है जब स्वभाव भूत हो गई शांति, तो फल्गु यानी व्यर्थ तुच्छ प्रपंच, फल्गु करते ना तुच्छ, तुच्छ प्रपंच में संचार, मन का संचार नहीं होने से, क्योंकि मालूम पड़ गया कि इसमें कुछ है ही नहीं, सारी नहीं है, तो संचार का भाव होने से मनसः तृप्ति, मन में अत्यंत तृप्ति हो जाती है। अलम बुद्धि निरंकुशा, अलम बुद्धि बस बहुत हो गया, अब इनसे क्या प्रयोजन है, इनसे क्या लाभ है, तो प्रहर्ष प्रकृष्ट हर्ष हो जाता है। साधना नदीन स्वयं सर्वदा स्फुरन आनंद, साधन के अधीन नहीं, स्वयं जो है स्वरूपभूत आनंद का स्फुरन हो रहा है, ये प्रहर्ष है। साधन के अधीन आनंद वो तो पराधीन सुख है, पराधीन सुख नहीं स्वाधीन सुख मिलेगा। यद्वा अथवा एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं प्रहर्ष का, एक दूसरा अर्थ कर, कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तम, जितना भी कर्तव्य था सब मेरे द्वारा कर लिया गया। प्रापणीयम जो कुछ भी प्राप्त करना था सब प्राप्त कर लिया। इत्येवं स्वात्मानं धन्यम मत्वा, इस तरह से अपने स्वरूप को धन्य मान करके जो हृष्यति हर्षित होता है, यही हो गया प्रकृष्टो हर्ष प्रहर्ष हो गया। यया सदानंद रसम समृच्छति सम्यक अश्नुते, जिसके द्वारा सदा आनंद रस को प्राप्त कर लेता है, अच्छी तरह से प्राप्त करता है, सा परमात्मनिष्ठा परमात्मन्येव नितराम स्थिति ही, यह परमात्मनिष्ठा यानी परमात्मा में ही पूरी तरह से स्थिति है। तो स्वरूपानंद विलोकनेन मनोवित्थातुम अशक्तम, स्वरूपानंद का जब विलोकन कर लिया, दर्शन कर लिया, जान लिया, तो मन का व्युत्थान नहीं, मन बाहर विषयों की तरफ नहीं जाएगा, तो व्युत्थातुम अशक्तम, जैसे जो है पैर में अब कोई शक्ति नहीं रह गई तो बाहर जाने में समर्थ नहीं हो पाता, ऐसे जब स्वरूपानंद का विलोकन
कर लिया तो मन लीन हो जाएगा, उत्थान करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तो विद्धातुम अशक्तम लीनम निर्विकल्प समाधिम अनुभवत, निर्विकल्प समाधि का अनुभव कर लेता है जिसमें कोई भी विकल्प नहीं, कोई सांसारिक विषय नहीं, सभी विकल्पों से रहित निर्विकल्प समाधि का अनुभव कर लेता है, सदानंद रस में डूब जाता है। इस तरह से शुद्ध सत्व से इस प्रकार के धर्म बताए गए, ये धर्म आते हैं। इदानीं गुणत्रयमयस्य माया विद्यादि शब्देर अभीतस्य व्यक्तस्य, जो गुणत्रय तीन त्रिगुणात्मक है, जिसको माया सब माया के शब्द के द्वारा कहा जाता है, अविद्या शब्द के द्वारा कहा जाता है, कारण शरीर शब्द से भी कहा जाता है, ऐसे जो त्रिगुणात्मक है माया विद्यादि शब्देर अभीतस्य, माया विद्या आदि से कारण शरीर है ना, अव्यक्त अव्याकृत कहीं प्रकृति शब्द से कह देते हैं, इन शब्दों के द्वारा जो कही जाती है अव्यक्तस्य, जो कि कार्यानुमेयस्य, कार्य को देख करके जिसका अनुमान होता है, उसका स्थूल सूक्ष्मादि सकल कार्य हेतुत्वात्, वह जो माया है अविद्या है स्थूल सूक्ष्मादि सकल कार्य का हेतु है ना, तो उसको जो है कार्य का हेतु होने से कारण कहते हैं। अज्ञान नाश्यत्वाच्च सीर्यते इति व्युत्पत्त्या शरीरत्वम कारण शरीरत्वम, देखो शरीर क्यों कहते, सीर्यते इति शरीरम, जिसका विनाश होता है, जो विनष्ट होता है उसे कहते शरीर, और जो पूरे संसार का कारण है उसे कहते कारण, तो कारण होते हुए जो शरीर रूप है जिसका विनाश होता है उसे कहेंगे कारण शरीर, पूरे संसार का कारण होने से कारण कहते हैं, और उसका विनाश होता है छीण होती है, श्री हिंसायाम धातु से शरीर बनता है, जो हिंसित होता है विनष्ट होता है उसे कहते शरीर। इति व्युत्पत्त्या कारण शरीरत्वं च वदन, कारण शरीर रूपता को दिखाते हुए अव्यक्त नामनी इत्यादिना उपक्रांताम, तो जो आया था श्लोक अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही अनाद्य विद्या, श्लोक नंबर 110 171 पेज पे आया था, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियेव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, उस श्लोक के द्वारा जिस माया का उपक्रम किया गया है उसका अब उपसंहार, उसका उपसंहार अब श्लोक नंबर 122 में कर रहे अव्यक्तम एतद्। अब इसका जो है इस श्लोक को तो कल ही कराऊंगा, आज यही पे बंद करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।